नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार सरकार के तरफ से यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत 3000 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। तो आइए इस वीडियो में जाने कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, कितना सैलरी मिलेगा आपको, सारी प्रक्रिया आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके डिस्प्ले पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिखाई दे देखते हैं, सहायक और निरक्षर यानी पद का नाम होगा सहायक और निरक्षर, जो कि कुल पद 3000 पद इसका है। अनारक्षित होगा, आर्थिक रूप से कमजोर होगा, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला भी इसमें आवेदन कर सकती है। महिला की बात करें देख सकते 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित, यानी 35% उनको आरक्षण मिला। देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 210 यानी सीट रखा गया, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 240 रखा गया। यह मेल के लिए बतलाया गया, ठीक है, और यहाँ फीमेल के लिए बतलाया गया, इतना रखा गया, ठीक है। और दूसरी की बात करते हैं देख सकते हैं पुलिस और निरक्षर यानी पद का नाम, दूसरा पद का नाम यहाँ से बतलाया गया पुलिस और निरक्षर, जो कि 3000 पद इसका भी है, ठीक है। इसमें भी 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं आरक्षित पद यानी 35% आरक्षण मिला है। देख सकते आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 210 रखा गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 240, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 340, अनुसूचित जाति के लिए 300, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 रखा गया, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 90 रखा गया। वहीं यहाँ देख सकते हैं और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ से 128 रखा गया और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 200 रखा गया, और यानी सारा इसमें बतलाया गया। और तीसरे की बात करें देख सकते हैं 250 पद है पुलिस निरीक्षक का पद, यानी देख सकते पुलिस निरीक्षक यानी कि इसका 250 पद है, पद का नाम पुलिस निरीक्षक होगा, जो कि इसमें 35% क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं हेतु आरक्षित है, यानी इसमें 35% आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। इसमें सारा इसमें बतलाया गया है, देख सकते हैं। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए 18 रखा गया और महिला के लिए 7 रखा गया, ठीक है अपना। और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 20 रखा गया और महिला के लिए 10 रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 28 और महिला के लिए 17 रखा गया, अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 25 और महिला के लिए 15, यानी टोटल यहाँ बात और पोस्ट की बात करें देखते हैं 3000 इसमें हुआ और 3000 पहले वाला में, यानी 6250 टोटल पोस्ट है यानी होने वाला है, ठीक है अपना। अब आपको यहाँ कैसे आपको आवेदन करना है इसमें बतलाया गया, देख सकते हैं आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक फौजदारी अपराधी मामले में सेवाकाल के अंतिम 10 वर्ष में कोई विहान दंड नहीं दिया गया हो तथा अंतिम 5 वर्ष में कोई दंड नहीं दिया गया, इससे संबंधित शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। अब यहाँ से भर्ती की बात करें देख सकते हैं कहाँ से भर्ती निकले गए हैं, बिहार कर देख सकते हैं बिहार सरकार के लोगों भी बिहार सरकार लिखा गया, बिहार पुलिस मुख्यालय कर्मी के कल्याण प्रभाग, ठीक है। सूचना ये जारी किया देख सकते, सूचना में बतलाया गया सारी बात देख सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना दिनांक 10/7/2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पुलिस पदाधिकारी तथा सहायक और निरीक्षक पुलिस और निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के प्रोन्नति कोटि के निम्नलिखित पदों में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पुलिस समर्थ के उक्त कोटि के सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी के संलग्न आवेदन पत्र आवेदन कर सकते हैं, यानी जो भी व्यक्ति यानी पुलिस में रह चुके हैं वही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं, वरना आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो पुलिस पहले से कुछ काम करके रिटायरमेंट हो गए हैं वही व्यक्ति यानी संविदा के आधार पर ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। फ्रेंड इसमें सारा बात समझाया गया, अब देख सकते और नीचे की ओर बतलाया गया है 3 नंबर में आवेदन इस आवश्यक का घोषणा पत्र भी समर्पित करेगा को पूर्व में संविदा के आधार पर नियोजित नहीं है, ठीक है फ्रेंड। यानी पहले से संविदा के आधार पर कोई जॉब ना किया हो उसके बाद ये आवेदन कर सकते हैं, जो जॉब वही संविदा के आधार पर होगा, ठीक है। चौथे नंबर की बात करें आवेदन के साथ साथ असैनिक शल्य चिकित्सा समूह के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, यानी जिस भी अगर आप काम कर यानी पहले से पुलिस के काम किए होंगे अगर आप दोबारा इसमें आवेदन करना चाहते हैं देख सकते हैं इस चीज़ों का ध्यान रखना है। 4 नंबर में जो लिखा गया आवेदन के साथ साथ असैनिक शल्य चिकित्सा समूह के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि आपको जो भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उसमें अटैच करना होगा उसके बाद ये आप सही हैं या नहीं, ठीक है। 5वां नंबर बात करें देख सकते चयन हेतु उम्मीदवार का अधिकतम उम्र 63 वर्ष होने चाहिए, यानी कि अगर आप आपकी उम्र आप ध्यान रखिएगा 63 वर्ष होनी चाहिए, उससे अगर ज़्यादा होता है तो आप इसमें आवेदन नहीं है। चयन प्रथमांक 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित होने तक के लिए होगा, अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक के आवश्यकता अनुसार 1-1 वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्य का समीक्षा कर उपरांत किया जा सकता है, ठीक है। 6वां नंबर की बात करते हैं देख सकते हैं नियोजन किए जाने वाले संविदा कर्मी के मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या
इतना जो दिनांक 10/7/2022 अक्टूबर में तय होगा, ठीक भाई। यानी नोट एंड सैलरी की बात किया है, देख सकते नियोजन किए जाने वाले संविदा कर्मी का मानदेय यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संघ के इतना 10/7/2022 के आलोक में तय होगा, ठीक है। पर पहले जाके आप जाएंगे वहाँ पे मीटिंग वगैरह होगा, उसमें उसी में बतला दिया जाएगा कि आपका कितना सैलरी बनेगा, ठीक है। और बात करें आपको जमा कहाँ करना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके लिए आवेदन कहाँ पड़ेगा, 17 नंबर बतलाएगा। देख सकते आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र अपने जिला इकाई कार्यालय जहाँ से आवेदन सेवानिवृत्त हुए हैं में समर्पित किए जाना अपेक्षित होगा। संबंधित जिला इकाई कार्यालय पर कार्यालय प्रधान प्राप्त आवेदनों के समेकित रूप से आवेदक के विगत 5 वर्ष तक चरित्र अभियुक्ति के साथ साथ आवेदक के विगत 5 वर्ष के कार्य की समीक्षा कर अपने अनुशंसा सहित प्रस्ताव दिनांक 12/7/2022 तक सुनिश्चित रूप से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम नियोजन प्राधिकार को होगा। आवेदक नियोजन संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। सारा संवाद समझ में आते विस्तृत जानकारी के लिए स्टेट बिहार गवर्नमेंट.in प्रभाव देखा जा सकता है, जिसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जो कि ये नोटिफिकेशन कल के पेपर में भी दिया गया था और आज के पेपर में दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। हमें यह बस आपको अपडेट देना था, अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो इस वाले वेबसाइट पर आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं, आपको सारा जानकारी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, वीडियो को किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यानी इसे हम आपको क्लियर कर दें कि ये आप लोग कर नहीं सकते, जो भी व्यक्ति पहले से रिटायरमेंट है बिहार पुलिस में वही यानी संविदा के आधार पर ये 2 साल या 4 साल की नौकरी होने वाली, संविदा के आधार पर ये नौकरी होगी, ठीक है। फिर बाकी लोग नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।